वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट सैयद अमार शाह। और पहले पार्ट में हमने देखा था कांशिया का रोड व्यू, और इस पार्ट में मैं आपको सारी कांशिया की सैर कराऊंगा, ऊपर से जाकर आपको कांशिया का व्यू कराऊंगा। तो अभी ये देखें, बिल्कुल धूप लगी हुई है यहाँ पर, सूरज जो है बिल्कुल सर के ऊपर है, और फिर भी बारिश लगी हुई है। और ये सामने जो है ये कांशिया का जो है कांशिया टॉप का जीप ट्रैक है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ से आपको पूरे गाँव का व्यू कराऊँगा। ये है, ये नाला बह रहा है, यहाँ से ऊपर पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलती है, तो यहाँ से बर्फ़ पिघल कर तो ये एक नाले की सूरत में यहाँ से बहते, ये आगे है। और इस साइड पे ये दुकान है, मैं आगे चलता हूँ नाले की तरफ। ये सर्दियों में अभी पानी कम है, तो जब पानी ज़्यादा होता तो इस साइड पे भी बहुत ज़्यादा पानी होता है, यहाँ तक बहते। ये कारी साहब की गाड़ी खड़ी हुई है, एक गाड़ी धो रहे हैं कारी साहब। ये यहाँ से रोड आती है मेन, और ये देखें यहाँ से भी पानी बह रहा है नाले की सूरत में, हर जगह से पानी बह रहा है। और ये जो है सामने, ये मेन रोड जाती है कांशिया बाला चौक की तरफ, मैं आगे जा रहा हूँ। ये बिल्कुल ठंडा पानी है, बर्फ से पिघलता हुआ ये नीचे आता है, ये देखो। आगे चलते हैं, ये वाली रोड जो है ये कांशिया की तरफ जाती है, ऊपर कांशिया वाला चौक की तरफ, और ये नीचे से आ रही है। ये यहाँ तक कांशिया चौक तक जो है वो पक्की रोड आती है, ये थोड़ा सा हिस्सा जो टुकड़ा है ये रहता है, लेकिन ऊपर तक कांशिया चौक से तकरीबन 1 या 1.5 किलोमीटर ऊपर तक ये रोड पक्की है बिल्कुल। और ये रोड, ये कांशिया टॉप का जीप ट्रैक है, यहाँ से ऊपर सारा ऑफ रोड है, जीप ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये तकरीबन टॉप, कांशिया टॉप के तकरीबन आधा रास्ते तक जाता है ये रोड जो है, ये आधा तक जाती है, उसके ऊपर फिर पैदल ट्रैक करना पड़ता है। ये सिर्फ़ एक गाड़ी का यहाँ से गुजरने का रास्ता है, और दूसरी गाड़ी यहाँ से नहीं गुज़र सकती। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर कुछ पॉइंट बनाए गए हैं, डबल गाड़ी क्रॉस हो सकती है, लेकिन ज़्यादा ये ऐसा ही रास्ता है, सिर्फ़ सिंगल गाड़ी का क्रॉस हो सकती है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर साइड पे होता है तो गाड़ी सीधे बिल्कुल नीचे जाएगी। यहाँ नीचे जो नाला नज़र आ रहा है, इस तक जो है पक्की रोड आती है, यहाँ से फिर नाले से आगे ये छोटा सा टुकड़ा जो रहता है ये सिर्फ कच्चा रह गया है। और ये एक नाला ये है यहाँ से बह रहा है, और एक नाला जो है ये आगे घर है, इनकी पिछली साइड से एक और नाला बहता है। ये जो पिछला पहाड़ है यहाँ से पीछे जो है आज़ाद कश्मीर शुरू हो जाता है, और ये सामने जो है कांशिया टॉप है, यहाँ से पीछे भी आज़ाद कश्मीर है। और ये जो गांव कांशिया है ये आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की जो है बॉर्डर लाइन पर मौजूद है। ये आ रहा है बिल्कुल सुरख पहाड़ है, सुरख रेत निकलती है यहाँ से, ये देखें ये लैंड स्लाइडिंग की वजह से ये वाली रोड ख़राब हो जाती है यहाँ से इस जगह से। और ये देखें ये सामने वाला जो मल्ला नज़र आ रहा है, ये इस जगह को काड़ी कहते हैं, और इस साइड पर आएँ तो ये सारी यहाँ से लेकर ये मस्जिद बनी हुई है, यहाँ से ऊपर लेकर बिल्कुल ऊपर तक, वो इस जगह का नाम है बाड़ी। और यहाँ से फिर नीचे जो है वो
वो सामने आगे छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे, वो कांशियां लोअर है, और ये जो है ये सारी कांशियां बाला है। ये सामने ईदगाह है जहाँ पर हम ईद की नमाज वगैरह पढ़ते हैं, और इसी के साथ जो ऊपर है रेड चादरों वाला नज़र आ रहा है, ये प्राइमरी स्कूल है, गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है कांशियां बाला का। और वो सामने ऊपर एक मस्जिद दिखाई दे रही है, और उसके बिल्कुल पीछे जो है ये कांशियां बाला की चौक है, और एक ये छोटा सा चौक है, दो तीन दुकानें बनी हुई है, और यहाँ से आप देखें ये सारा रोड भी हुई है नीचे से आ रहा है रोड, ये और ये पीछे एक मोहल्ला है, और ये है कांशियां टॉप। वो सामने जो आगे आपको छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं, ये है कांशियां लोअर, और ये सारी जो है ये कांशियां बाला है, ये सारी। एक नाला उस साइड से बह रहा है, एक नाला ये बह रहा है, और एक उस साइड से बह रहा है। ये दो नालों के दरमियान में एक छोटी सी वादी है, और बहुत ही खूबसूरत वादी है ये। आगे पीछे और तीनों साइड पे पहाड़ है। ये जा रहा है जीप ट्रैक कांशियां का, कांशियां टॉप का, यहाँ से ये फिर वो सामने जाता है। और ये जो छोटी सी जगह है बस यही एक यहाँ पर जो है क्रॉस होने की जगह है, यहाँ पर दो गाड़ियाँ आपस में जो है क्रॉस हो सकती हैं, इससे ऊपर फिर वो आगे जा कर एक जगह जहाँ से दो गाड़ियाँ क्रॉस हो सकती हैं। अभी मैं ऊपर से जो है नीचे उतर आया हूँ, जहाँ मैं ऊपर से आपको दिखा रहा था एक नाला, तो अभी मैं जाऊँगा उस नाले के पास। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारा जो व्लॉग था कांशियां वैली पर, उसकी ये लास्ट एपिसोड थी, और ये हमारी एपिसोड यहाँ पर एंड होती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं सिरन वैली सीरीज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।